वाह ऋषा पंत भैया क्या बात कर दी, कसम से दिल खुश कर दिया, गले लग जा यार तूने लखना को रात ठोक के हमारा रास्ता साफ कर दिया। अब आरसीबी को पेलेंगे और सीधा जाएंगे सुपर फोर में। माई भाई सब सबर कर पहला मैच तुम हमसे जीत गए थे, दूसरा मैच हम जीतेंगे भाई या आने वाला, और तुमसे बदला भी लेंगे, थोड़ा सा रन रेट हमारा कम है, तुमको पहलेंगे तुम्हारा होगा और कम हमारा होगा और ज्यादा हम जाएंगे, तुम बैठ जाओ। अबे तुम बस करो, हमको ऋषभ पंत से पूछ लेने दो। अबे ओ भूतनी के तुम तो बाहर थे, हमको काय को पहला भूतनी वालों, जीतने देते अंतिम में तुम्हारा मुकेश कुमार बढ़िया गेंदबाजी कर गया, नहीं तो हमारा अर्शद खान पहलने वाला था। अबे तुमको क्या मिला? अबे बस कर राहुल के बच्चे, तू जाके खा जूते अपने ससुर और बीवी से भूतनी के, हम जा रहे थे हम खाली याद थोड़ी जाना था, हमने सोचा किसी को साथ ले जाते, तुमको पेल डाला, चलो हमारे आगे लग के। अबे राहुल भैया थोड़े से रन बनाए होते तो हमारा आधा शतक बेकार ना जाता, अंतिम में हमसे थोड़े से रन बने नहीं और निकल पुरन भी बढ़िया खेला, लेकिन भैया तूने सत्यानाश किया, बस कर यार अब वो हमारे को अपने आगे लगा के लेके जा रहे हैं। अबे अर्शद खान भैया तुम्हारे रनों से क्या होना था, मैंने बढ़िया शतक आधा शतक पेला, दूसरे भी हमारे दो तीन बल्लेबाज बढ़िया पेले, तुमने निकल पुरन और तुमने थोड़े से रन पेल लिए, तो क्या वो हमने जानबूझ के दिए ताकि तुम्हारा दिल खुश हो जाए? अबे बस करता ससुर का नाती, अभी हमारा चांस भी होता और दिल्ली वाला तुम्हारा भी होता, तुम्हारा 14 अंक हम अंतिम मैच जीत के 14 अंक कर लेंगे, रन रेट भी बढ़िया करेंगे, इधर भैया जो 14 अंकों पर टिके हैं बस दुआ करना कि ये 14 अंकों पर टिके रहे। अबे बस करता लुखना वाला, अब कोई चांस नहीं होता, गेंदबाजी में मैंने कैसे तुम्हारे मेन बल्लेबाजों को लूल किया और दिखाया बाढ़ का रास्ता, हमको मालूम है हम भी आगे नहीं जाएंगे, तुम भी आगे नहीं जाएगा, जाएगा भैया धोनी भाई। हाँ शर्मा भैया वाकई शर्म वाली बात की है, तुम दोनों बाहर हो भैया, अब हमारा आगे जाना तय है, दो टीमें कंफर्म है, केकेआर राजस्थान, तीसरी हैदराबाद हो जाएगी, चौथा हम जुगाड़ लगा चुके हैं कोहली को पेल के। माई भाई साहब जुगाड़ लग नहीं गया, अभी लगाने का सोच रहे हो लेकिन सब उल्टा होगा, हम पेल के आगे जाएंगे, हम जुगाड़ लगाएंगे और भाइयों इस बार हम चैंपियन बनेंगे, तुम देखते जाओ कप्तान नहीं हुए तो फिर क्या हुआ। देखो कोहली और माई भाई साहब हमने तो रास्ता कर दिया तुम दोनों का साफ, अब देखते हैं भैया कौन अपना रास्ता बनाता, लेकिन कोहली भैया लंबी नहीं छोड़ो, कभी जीत नहीं पाए इस बार खा गई तो मेरा ही बात मानो, जाने दो धोनी को आगे, क्योंकि ये भैया चैंपियन बन भी जाएगा, पिछली बार भी बनना था इस बार लगातार बनेगा, फिर धोनी भाई साहब भैया शान से स्नेहास लेंगे, इसी खातर तो हमने भैया लुखनऊ को रात पहला, तुम्हारे बस की बात नहीं कोहली भाई साहब। हाँ कोहली भाई साहब गुस्सा नहीं करना, ये आप अंत सही बोल रहा है, भूतनी की इज्जत से मान जा, नहीं तो वैसे भी हम तुमको पेल के चले ही जाएंगे आगे, इसलिए इज्जत बचा, मांडवा लिख कर ले, खर्चा पानी दे देंगे, जेब खर्चा ठीक है। माई भाई साहब बस करो, अपना जेब खर्चा अपने पास रखो, तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारा बीवी बच्चा होगा उनको देना, हमसे भैया जीत लेना मेहनत से, लेकिन भैया नहीं जीतने देंगे, पेलेंगे देख लेना, हम जाएंगे आगे इस बार चैंपियन बनेंगे। भाइयों आपको क्या लगता है हम इस बार चैंपियन बन जाएंगे, क्योंकि रास्ता सो साफ हो गया है, केवल भैया माई भाई को पेलना है, बताना कमेंट करके, और भाइयों ये केवल एक फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज।